हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रिंकलर्स बेकरी। आई एम सोमा हियर। आज हम बनाने वाले हैं एक स्वीट डिश दैट इज़ फ्रॉम बंगाल, वर्धमान का सीताभोग। वेरी यूनिक रेसिपी, वेरी इजी एंड सिंपल टू। तो हम लोग स्टार्ट करें अपनी रेसिपी। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 1 लीटर मिल्क का जितना छना होता है मैंने उतना ले लिए हैं। ओके, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, 3/4 पार्ट हम लोग लेंगे और 1/4 हम लोग साइड में रखेंगे। ओके, देयर आर 2 पार्ट्स हियर। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें हम लोग मिक्स करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/4 पार्ट यहाँ पर हम लोग लेते हैं। ओके, एंड 1/4 पार्ट हम लोग रख देते हैं फर्दर पार्ट। ओके, इसको हम लोग अच्छे से मैश करते हैं, एकदम लम्प फ्री बनाते हैं, देन हम लोग अपना इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, मैंने अच्छा से अपना पाम से इसको एकदम सॉफ्ट कर लिए हैं। तो अभी हम लोग इसमें अपना राइस फ्लोर देंगे, इससे अच्छा टेक्सचर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इतने यहाँ पे देंगे, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून एंड 3 टेबल स्पून। ओके, राइस फ्लोर देके अच्छा से इसको मैश कर लेंगे। ठीक है, ये राइस फ्लोर मैंने घर में बनाया है, आप इसको बाहर से भी दे सकते हो, बट ये क्या होता है ना, फ्लेवरफुल होता है। जो बासमती चावल होता है, तांबा मोड़े चावल छोटा छोटा होता है, उसको धो के सुखा के मैंने ग्राइंड कर लिया है। बस अच्छा से इसमें मिक्स कर लेते हैं राइस फ्लोर को। राइस फ्लोर को छना के साथ हम लोग अन्य अच्छा से यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं। ठीक है, अभी इसको हम लोग ढक के ऐसा रख देते हैं। ओके, शुगर सिरप के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे 1 कप शुगर। ओके, उसमें हम लोग देंगे 2 कप्स ऑफ वाटर, 1 कप एंड 2 कप। ओके, शुगर सिरप को हमेशा शुगर देने के टाइम बाद में अच्छे से हिला दीजिएगा, तो बीच नीचे वो चिपक ना जाए। ओके, शुगर सिरप में फ्लेवर के लिए हम लोग यहाँ पे 3 इलायची, छोटी कार्डमम जो कार्डमम होता है, लवंग के 4 एंड दालचीनी के टुकड़े। ओके, इसको फ्लेवरफुल करने के लिए हम लोग यहाँ पे अच्छे से वो उबल जाए एंड वो स्टिकी सा हो जाए, बस हम लोग इसको ऑफ कर देंगे। हम लोग को शुगर सिरप रेडी हो गया है, यहाँ पे स्टिकी सा ये आ गया है टेक्सचर, तो हम लोग इसको अभी ऑफ कर देते हैं और उसको साइड में रख देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो स्वीट है उसको तैयारी करेंगे। दे देंगे ऑयल, हम लोग तेल यहाँ पे गर्म हो रहा है, हम लोग ये लो टू एकदम लो फ्लेम में इसको करना है, नहीं तो हम लोग ये जल जाएगा और कलर आ जाएगा, हम लोग को कलर नहीं चाहिए। ओके, तो हम लोग को जो यहाँ पे हम लोग गूंथ के रखे थे इसका हम लोग 1/2 पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, और ऐसा ग्रेटर नहीं तो आपके पास जो शेव मशीन है उसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आज ग्रेटर से करने वाले हैं पैन के ऊपर, और हम लोग धीरे धीरे इसको देखिए, तेल हम लोग का ऐसा लो टू मीडियम एकदम हम लोग को चाहिए। इसको हम लोग ज़्यादा कलर नहीं करेंगे, जस्ट ये फ्राई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको शुगर सिरप में दे देंगे, देखिए ऐसा क्रिस्पीनेस आ जाएगा तो आपका बन जाएगा। आप एक डायरेक्टली आपका शुगर सिरप जो आपने किया है अभी उसमें डाल दीजिएगा, ये बाकी का भी हम लोग कर लेते हैं। इसे कितने चप्पर से बाकी का गढ़ा बना लेते हैं। ओके, अभी हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, छना हम लोग लेके रखे थे वो ले लेंगे पहले। ठीक है, उसको भी सेम करेंगे, पहले थोड़े मैश कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ द पाम्स। छना को हम लोग ने अच्छा से मैश कर लिया, देखिए एक भी लम्ब्स नहीं है। तो हम लोग अभी यहाँ पे छना को टेक्सचर देने के लिए यहाँ पे देते हैं 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर। ओके, कॉर्नफ्लोर नहीं तो मैं आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा भी दे सकते हो, रेफ्रिजरेटर को जो होता है, 1 एंड 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देंगे कॉर्नफ्लोर के साथ 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, एनी मिल्क पाउडर
जो आपके पास है। ओके, सो अच्छे से हम लोग इसको अभी मैसेज देते हैं। डो हम लोग का पूरा स्मूथ हो गया, देखिए। इसमें हम लोग देते हैं 1 टीस्पून घी, ठीक है। अच्छे से मिक्स करते हैं इसमें। अच्छा सा हम लोग ने मिक्स कर लिया है। इसमें हम लोग देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, वो भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। इतना स्मूथ सा डो हो गया हम लोग का रेडी। इसका भी हम लोग तरह कवर अप कर लेते हैं और अपना शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। शुगर सिरप के लिए हम लोग यहाँ पे देंगे 1 कप ऑफ शुगर एंड 1 कप 1/2 कप 1/2 कप 1.5 कप मैंने यहाँ पे दिया है पानी। ओके, इसको अभी हम लोग उबालने के लिए रखेंगे। शुगर सिरप में हम लोगों को एक तार ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हम लोग इसे स्टिकी स्टिकी सा अच्छा सा सिरप चाहिए। ओके, इसमें हम लोग फ्लेवर के लिए देंगे कार्डमम, ऐसा हम लोग थोड़ा तोड़ के देंगे। ओके, तोड़ के डाल देते हैं। हम लोग यहाँ पे चिपक रहा है, मतलब हम लोग शुगर रेडी सिरप रेडी हो गया है। स्विच ऑफ कर देते हैं गैस को, स्वीट बना लेते हैं। जैसा आपको साइज पसंद है आप वैसा बना सकते हो, ठीक है। पहले थोड़ा इसको मसाज दे देते हैं। पाम्स में थोड़ा घी लगा लीजिएगा। स्मॉल स्मॉल देखिए सर। ओके, तो अच्छे से फटाफट एकदम शेप दे देते हैं। शुगर सिरप भी रेडी हो गया है। तेल भी हम लोग गर्म के लिए चला दिए हैं। शेप्स देते हैं और ये फ्राई कर देते हैं एकदम लो टू मीडियम में। तेल हम लोग का देखिए गर्म हो गया है। हम लोग मैंने थोड़ा सा चेकिंग के लिए डाला था, तो धीरे धीरे हम लोग अपना बॉल्स दे देते हैं। देने के बाद ही मत हिलाना फ्रेंड्स, तो इसमें क्रैक्स आ जाएगा फिर। ओके, पहले ये अच्छे से स्टेबल हो जाए तेल में, ठीक है। थोड़ा सा कलर आने लगे तो हम लोग फिर हिलाएंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितना अच्छे से ऊपर आ गया है, मतलब हम लोग का बॉल्स कितना लाइट बना है। देखिए अच्छे से कलर आ गया है। अभी हम लोग इसको सिरप में डाल देंगे। हम लोग का सिरप भी गर्म है एकदम। सिरप का गैस फ्लेम जो है पूरा हम लोग ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हम लोग सिरप का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये वाला हम लोग सिरप में डाल देंगे। इसको भी हम लोग ढक के रख देंगे, ठीक है। पूरा एकदम सिरप अच्छे से इसमें आ जाएगा और अच्छे से फूल जाएगा वो, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम लोग का स्वीट देखिए कितना अच्छा बना है। ये देखिए इसका, देखिए कितना अच्छा जूसी जूसी हुआ है। यू कैन सी कितना जूसी जूसी हुआ है। देखिए टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट, सो अमेजिंग। इसका भी देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए इतना सॉफ्ट है, देखिए एकदम राइस की तरह बना है एकदम। अपनी मर्जी से खिलाइए, बना के ट्राई करिएगा रेसिपी को। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिएगा, अच्छा से चना को मलिएगा। देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट एकदम आपका स्वीट बनेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स, सी इन द नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन गुड बाय।